One numerical from previous class is left. We'll take some other day. So we'll move further and we'll go forward with the waste collection. If you talk about waste collection, it is a module number 3, whereas we'll see about the collection and storage of municipal solid waste, method of collection, that is house to house collection, then collection route, on-site storage, method, material used for containers, recycling and reuse of waste, need for transfer and transport, transfer station and selection of location, then operation and maintenance, transportation and method, manual mechanical method with or without compaction, economy and transportation of waste, optimization of transportation routes. Okay, so for this complete day, we required 10 hours. So in next 10 hours, we'll complete this module number 3. Okay, so let us begin with this collection component. Okay, so there are various 6 components which come under this collection part. So first one is the collection point. Collection point in the means of the source. Okay, these affect such collection system components as a queue, as a crew size and a storage, which ultimately control the cost of collection. आपका जो वेस्ट इस पर्टिकुलर सोर्स में कहाँ कितना जनरेट हो रहा है, उसी के बेसिस में आप बाकी के साथ सारी चीजें आप क्या करोगे, कैलकुलेट करोगे या एस्टिमेट करोगे कि आपको क्या मटेरियल, आपको कितना स्टोरेज कैपेसिटी का लगेगा या आपका आपको क्रू मेंबर्स कितने लगने वाले हैं, कौन से व्हीकल्स लगेंगे. एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन योर कलेक्शन पॉइंट. ओके, बिकॉज सब उसी पे डिपेंडेंसी है, तो आपका जो फाइनल कॉस्ट रहेगा वो भी आपका इसी पे डिपेंड करेगा. इवन दो आपके जो जहां से वेस्ट जनरेट हो रहा है वहां से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, वो भी सब चीजें आपका कलेक्शन पॉइंट से ही स्टार्ट होगा. देन कलेक्शन पॉइंट डिपेंड ऑन द लोकेलिटी एंड मे बी रेसिडेंशियल, कमर्शियल और इंडस्ट्रियल. ये आप कलेक्शन पॉइंट को आप 3 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हो. वन इज योर रेसिडेंशियल, जहाँ पे हम रहते हैं. नेक्स्ट इज अ कमर्शियल, जो हमारा मार्केट एरिया है. थर्ड वन इज इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहाँ पे इंडस्ट्री आपके इंडस्ट्री सारे लोकेटेड है. तो तीनों जगह से आपका वेस्ट विल बी वेरिएबल, दैट विल बी डिफरेंट डिफरेंट वेस्ट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज. ओके, सो दैट वाज अ कलेक्शन पॉइंट. नाउ नेक्स्ट इज अ कलेक्शन फ्रीक्वेंसी. अभी आपका जो कलेक्शन फ्रीक्वेंसी है, यानी कि कितने बार एक दिन में आप कितने बार अपने वेस्ट को आप कलेक्ट कर रहे हो, दैट इज नोन एज कलेक्शन फ्रीक्वेंसी. तो मतलब आपको शायद ये ध्यान में होगा, माइट बी यू आर नोइंग अबाउट दिस, व्हेनेवर सम मेंबर ऑफ एनी फैमिली व्हाट दे ट्राई टू डू, दे जस्ट समवन हैविंग दिस बोलो प्रॉपर्टी बोलिए या उनके नेचर में बोलिए या अवेयरनेस बोलिए, क्या करते हैं कि वो साफ सफाई में रहना चाहते हैं, हाइजीन कंडीशन में रहना चाहते हैं. तो क्या करते हैं, वो अपने घर को हमेशा साफ रखने की कोशिश करते हैं. तो कई बार आप देखे होंगे कि वो अपना झाड़ू लेके आते हैं, देन दे स्टार्ट क्लीनिंग देयर हाउस. व्हाट दे आर डूइंग, दैट इज द कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, दैट इज द कलेक्शन फ्रीक्वेंसी. कोई होता है जो घर में 3 बार करेगा, कोई रहेगा 4 बार करेगा, कोई 1 बार करेगा, क्या कोई 0 टाइम्स करेगा. सो इट इज वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, और इट वेरीज फ्रॉम हैबिट टू हैबिट, और सम अदर थिंग, कितना वेस्ट आपका जनरेट हो रहा है, ये सारी चीजें उसमें आ जाती है. सो दैट पॉइंट ओनली कम इन दिस पॉइंट वेयर यू कैन सी द कलेक्शन, वेयर यू कैन सी द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट, आपके घरों में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये उस पर डिपेंड करेगा. ठीक है, आपका रेट ऑफ जनरेशन, आपका वेस्ट किस तरह से जनरेट हो रहा है, उसका कितना है, सॉरी 0.4 केजी पर पर्सन है, 0.8 केजी पर पर्सन है या 4 केजी पर पर्सन है, मतलब आपके घर में कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है, ये उस पे भी आपका डिपेंड करेगा. देन नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट. नाउ यस, इट विल बी आल्सो डिपेंडेंट, मतलब कि आपका वेस्ट का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है उसकी, आपका फिजिकल वेस्ट है, केमिकल वेस्ट है, एज वेल एज बायोलॉजिकल वेस्ट. क्योंकि यहाँ हमने देखा आपका रेसिडेंशियल अलग है, कमर्शियल अलग है, इंडस्ट्रियल अलग है. तो इन तीनों में भी अगर आप देखोगे तो तीनों का नेचर अलग अलग होता है. ठीक है, सो दैट्स व्हाई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब कलेक्शन फ्रीक्वेंसी भी उस पर डिपेंड करेगी. कैसे करेगी, मान लो अगर मैं ये बात करता हूँ गीले कचरे और सूखे कचरे की,
अगर आपका आपके वेस्ट में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है तो इट्स इज वेरी नेसेसरी कि आप उसको तुरंत ही तुरंत वहां से डिस्पोज ऑफ करने की कोशिश करो. इफ यू नॉट डू लाइक दैट देन व्हाट विल हैपन, इट विल मेक अ फाउल स्मेल, एक बैड ऑडर निकलेगा, अनहाइजीन कंडीशन बन जाएगी. ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज रैपिडली पुट्रेसिबल. सो दैट इज व्हाई वी यूज टू रिमूव सच सच वेस्ट वेरी क्विकली. इफ अनदर हैंड इफ देयर इज अ ड्राई वेस्ट तो लेट इट बी, कोई प्रॉब्लम नहीं है. थोड़ा सा मतलब 2 घंटे बाद भी करोगे, 4 घंटे बाद भी उसको साफ करोगे, सो देर इज नो हार्म, या मतलब अनहाइजीनिक कंडीशन प्रोड्यूस नहीं करता है. सो दैट इज व्हाई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेस्ट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, द नेक्स्ट इज क्लाइमेट. यस दिस इज राइट, बिकॉज आप समर सीजन में देखिए, विंटर सीजन में देखिए, एंड रेनी सीजन में देखिए, मानसून सीजन में देखिए, तो क्या होता है कि आप गर्मी में देखोगे तो वेस्ट बहुत जल्दी पुट्रिसिबल हो जाए, मतलब बहुत जल्दी डिके होने शुरू हो जाता है. ठीक है, तो हमें इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो वेट डिके होने वाला है दैट इज ड्यू टू योर एटमोसफियर, दैट इज ड्यू टू योर टेम्परेचर एंड सराउंडिंग. तो क्लाइमेट का रोल बहुत बड़ा होता है इसमें, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द कलेक्शन फ्रिक्वेंसी. ओके, देन नेक्स्ट इज डेंसिटी एंड अ टाइप ऑफ हाउसिंग. ओके, आपके आपका मतलब हाउस किस टाइप का है, बड़े फैमिली है, छोटी फैमिली है, मतलब उस पर भी आपका डिपेंड करेगा, एंड उसके बेस में आपका वेस्ट भी डिपेंड करेगा. अगर ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा वेस्ट आएगा, अगर कम लोग रहेंगे तो कम वेस्ट होगा. ओके, सो अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेस विद इन द प्रीमाइसेस, मतलब स्टोर करने के लिए आपके पास में जगह है भी या नहीं है. मान लो किसी के पास में छोटा अगर बिन है, किसी के पास में अगर छोटा बिन है तो वो क्या करेंगे, उसको जल्दी से जल्दी डिस्पोज करने की कोशिश करेंगे. बिकॉज आपके अगर मॉर्निंग में अगर आपका कचरा जमा हो गया है, वो अगर छोटे बिन में रखा है, तो शाम को आकर दोबारा आपने घर में झाड़ू लगाया, तो व्हाट विल हैपन कि ये वेस्ट को स्टोर करने के लिए आपके पास में इक्विपमेंट अवेलेबल ही नहीं है, स्पेस अवेलेबल ही नहीं है. सो आपके पास में आपका जो ये है वेस्ट है, उसे कलेक्ट करने के लिए जगह भी होना चाहिए. आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ अ हाउस, नाउ लेट इट बी जस्ट गो फॉर द सोसाइटी. अगर मैं हम एक सोसाइटी में अगर 100 फ्लैट्स अवेलेबल हैं, तो 100 फ्लैट्स का कचरा मॉर्निंग के टाइम पे आएगा एंड इकट्ठा हो जाएगा. बट दिस में ऑल्सो हैपन कि इवनिंग में फिर से उतना ही वेस्ट आपका जनरेट होगा, लेकिन मॉर्निंग में वेस्ट डिस्पोज ऑफ नहीं होने के कारण क्या हुआ, सेकेंड टाइम जब इवनिंग में वो वेस्ट वहां गया, हमने उसको डिस्पोज करने की कोशिश की, तो स्पेस की अवेलेबिलिटी नहीं है. सो यस इट इज वेरी एसेंशियल कि आपका जो कलेक्टेड वेस्ट है वो जल्दी से जल्दी डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, तो फ्रिक्वेंसी भी मैटर करता है. ठीक है, देन साइज एंड टाइप ऑफ स्टोरेज फैसिलिटीज. आपका कितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उसी के बेसिस में आपका क्या साइज रहेगा, किस टाइप का स्टोरेज आप प्रोवाइड करोगे, दैट विल बी डिपेंडेंट ऑन दैट, या आपके फ्रिक्वेंसी उस पर डिपेंड करेगा कि आपका बिन का साइज क्या है. से सपोज करो कि आपके बिन का साइज 100 मीटर क्यूब का है, ले मॉर्निंग में ही आपने 100 मीटर क्यूब उसको फिल अप कर दिया, लेकिन शाम को आपके यहाँ पे ऐसे कलेक्शन करने के लिए कोई आता नहीं होगा म्युनिसिपल वाला, तो व्हाट विल हैपन, को वेस्ट वहीं रहने वाला है, क्योंकि वो नेक्स्ट डे 8 या 11 बजे जाएगा. सो क्या करेंगे आप, शाम के टाइम पे आप अपने वेस्ट को अपने घरों में ही स्टोर करोगे, देन अगले दिन मॉर्निंग में समवन सम पर्सन विल कम, और यू कैन सेंड, यू कैन थ्रो यू टू, यू कैन डिस्पोज यूर वेस्ट टू योर कम्युनिटी बिन. सो अगेन फ्रीक्वेंसी इस तरह से डिपेंड करता है, साइज के ऊपर में भी डिपेंड करेगा, किस टाइप का स्टोरेज आपका डिपेंड कर, स्टोरेज फैसिलिटी क्या है उसमें भी आपका डिपेंड करेगा. ओके, द नेक्स्ट इज एटीट्यूड ऑफ द जनरेटर. यस ऑफ कोर्स इट इज हाईली मैटर, बिकॉज से सपोज दैट कि एक्स वाई जेड एक आदमी है जो बहुत ज्यादा मतलब एटीट्यूड्स का खराब है, ही इज नॉट एट ऑल बॉदरिंग अबाउट द एनवायरमेंट, इवन दो ही इज नॉट बॉदरिंग फॉर द इकोनॉमी और कॉस्ट. क्या होता है कि हैबिट के कारण वो वेस्ट को जनरेट करता रहता है, मतलब अननेसेसरी लग्जरियसनेस की तरफ बढ़ के वेस्ट को ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है. लेकिन वही अगर दूसरा, ऑन अदर हैंड इफ यू सी द सेकेंड पर्सन, ही इज हैविंग अवेयरनेस अबाउट एनवायरमेंट, हिज एटीट्यूड इज गुड टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, हिज एटीट्यूड इज गुड टुवर्ड्स द हाइजीन कंडीशन, तो क्या करेगा वो, जो आपका वेस्ट है उसे वो कम प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा. तो यस कलेक्शन फ्रीक्वेंसी में आपका एटीट्यूड भी इम्पोर्टेंट है, एटीट्यूड ऑफ जनरेटर्स.
अगर वेस्ट जनरेट नहीं होगा तो वेस्ट कलेक्ट करने की नौबत नहीं आएगी, राइट। तो कलेक्ट मतलब व्हाट इज मीन, इट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपका वेस्ट कलेक्ट नहीं करना है मतलब फ्रीक्वेंसी आपका कम होते जा रहा है। सो यस, इट इज डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द जनरेटर एज वेल। ओके, देन नेक्स्ट इज स्टोरेज कंटेनर्स। हमने ये देखा, देखो कलेक्शन पॉइंट हमने देख लिया, हमने कलेक्शन फ्रीक्वेंसी देख लिया, नेक्स्ट इज स्टोरेज कंटेनर्स। नाउ स्टोरेज कंटेनर्स कैसा होना चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, दैट पॉइंट और ऑल पॉइंट विल कम ओवर हियर। सो प्रॉपर कंटेनर सिलेक्शन कैन सेव कलेक्शन एनर्जी। आई रिपीट, प्रॉपर कंटेनर सिलेक्शन कैन सेव कलेक्शन एनर्जी, इंक्रीज द स्पीड ऑफ कलेक्शन एंड रिड्यूस द क्रू साइज। आई रिपीट, प्रॉपर कंटेनर सिलेक्शन कैन सेव कलेक्शन एनर्जी। कहने का मतलब है कि आपके कंटेनर का साइज बराबर होना चाहिए, टाइप ऑफ कंटेनर अच्छा होना चाहिए। तो अगर ऐसा रहेगा तो आपका जो इससे क्या होगा कि अगर आपका साइज आपके कंटेनर का साइज बड़ा रहेगा, आई एम सॉरी, प्रॉपर कंटेनर का साइज रहेगा और अगर उसका डोर जो है ओपनिंग क्लोजिंग अगर सब बराबर रहेगा तो इट में सेव योर कलेक्शन एनर्जी। ओके, इंक्रीज द स्पीड ऑफ कलेक्शन, यानी कि मतलब आप आपका जो वेस्ट है उसको मतलब ज्यादा से ज्यादा आप कलेक्ट कर सकते हो, और रिड्यू और अगर आपका कंटेनर अच्छा है, सही है मतलब, तो यू कैन रिड्यूस योर क्रू साइज। मैंने ऐसा भी आपने देखा होगा, मॉर्निंग में आपके घरों पे जब वेस्ट कलेक्शन के लिए आते हैं तो मिनिमम एक या दो आदमी आता है। ओके, तो अगर स्पीडी कनेक्शन, कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो कि एक दिन में आपके पास वेस्ट कलेक्ट हुआ, आपके यहाँ पे उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए कोई आया नहीं या सुटेबल कंटेनर आपके पास में नहीं है, देन सेम थिंग हैपन इन सेकेंड डे, सेम थिंग हैपन इन थर्ड डे। नाउ इन अ फोर्थ डे यू कैन सी देयर विल बी कलेक्शन ऑफ वेस्ट फॉर 3 डेज। ओके, सो तीन तीन दिन के जो आपको वेस्ट है उसको कलेक्ट करने के लिए भी आपको लोग ज्यादा लगेंगे। ओके, सो दिस में डिस्टर्ब यू द सिस्टम। ओके, नाउ ऑन अदर हैंड, अगर हर दिन में जो वेस्ट कलेक्ट हो रहा है अगर उसको हमने क्लीन करते गए तो व्हाट विल हैपन कि आपको जो बाद में 4 लोग लगने वाले हैं, 5 लोग लगने वाले हैं, तो वो आपको नहीं लगेगा, एक ही आदमी से आपका काम बन जाता है। मतलब कहने का मतलब है कि क्रू साइज आपका रिड्यूस हो जाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, कंटेनर शुड बी अ फंक्शनल फॉर द अमाउंट एंड टाइप ऑफ मटेरियल एंड ए कलेक्शन व्हीकल यूज्ड। एग्जैक्टली, आपका जो कंटेनर है वो हमेशा फंक्शनल में होना चाहिए। फंक्शनल में मतलब कि वो बराबर यूज करते रहना चाहिए, दैट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड टाइप ऑफ मटेरियल एंड ए कलेक्शन व्हीकल यूज्ड, और उसके लिए भी कंटेनर शुड बी फंक्शनल फॉर द अमाउंट एंड टाइप ऑफ मटेरियल एंड कलेक्शन। आपका जो स्टोरेज कंटेनर है वो मोस्ट मटेरियल पे अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी ड्यूरेबल, एंड व्हाट एवर द कलेक्शन व्हीकल इज ऑल्सो यूज दैट शुड ऑल्सो बी वेल मेंटेन्ड। ओके, देन कंटेनर शुड ऑल्सो बी ड्यूरेबल एज वी हैव मेंशन ओवर हियर, कि मटेरियल उसका ड्यूरेबल होना चाहिए, जो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए, इजी टू हैंडल एंड इकोनॉमिकल। और अच्छा तो होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए, बट आपका इकोनॉमिक कॉस्ट के हिसाब से भी वो अच्छा होना चाहिए, एंड एज वेल एज इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, वेदर एंड एनिमल्स। नाउ व्हाट विल हैपन, व्हाई वी आर सेइंग इट शुड बी रेजिस्टेंट टू कोरोजन, नाउ व्हाट हैपन, बिकॉज ऑफ द मॉइस्चर कंटेंट इन द वेस्ट। बहुत बार होता है कि वेस्ट जो रहेगा वहीं के वहीं रह जाता है, या वेस्ट का कुछ पोर्शन वहां रह जाता है, जिसके कारण वाटर के कारण उसमें कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। या वो वेदर प्रूफ होना चाहिए, कोई भी क्लाइमेट कंडीशन हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे आपका रेन वाटर हो, हर सीजन में इन एवरी क्लाइमेट इट शुड बी अ वेदर प्रूफ, एज वेल एज इट शुड बी प्रोटेक्टेड बाय एनिमल, या एनिमल के या जो आपके जानवर है, या और यू कैन से वी शुड प्रोटेक्ट अवर कंटेनर फ्रॉम द एनिमल्स, बिकॉज व्हाट हैपन समटाइम्स एनिमल्स गोज एंड दे डिस्ट्रॉयड दोज कंटेनर्स। सो हमें हमारा मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो ये सब चीजों को संभाल पाए। ओके, इन रेजिडेंशियल एरिया वेयर रिफ्यूज इज कलेक्टेड मैनुअली, स्टैंडर्डाइज मेटल और प्लास्टिक कंटेनर टिपिकली रिक्वायर्ड फॉर अ वेस्ट स्टोरेज।
नाउ अगर हम रेसिडेंशियल एरिया में ही अगर हमने इसको सेग्रीगेट कर दिया, मतलब हमने अलग अलग हमने हमारा स्टोरेज कंटेनर दे दिया, जो प्लास्टिक को प्लास्टिक कंटेनर में ही डालना है, या आपका मेटल्स है तो उसको मेटल वाले कंटेनर, मतलब हैविंग अ सेम मटेरियल कंटेनर, हैविंग अ सेम मटेरियल, बट जो हम लोग वेस्ट डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। जैसे एक कंटेनर में हमने प्लास्टिक डाला, दूसरे कंटेनर में हमने मेटल्स डाला, तीसरे कंटेनर में ड्राई हमने डाला। सो हमने क्या करना है कि हमें कलेक्शन एरिया में ही उसे सेग्रीगेट कर देना चाहिए। देन व्हेन मैकेनाइज्ड कलेक्शन यूज सिस्टम आर यूज, कंटेनर आर स्पेसिफिकली डिजाइन टू फिट द ट्रक माउंटेड लोडिंग एंड मैकेनिज्म। नाउ व्हाट हैपन, बहुत बार होता है कि आप कुछ मैकेनाइज्ड कलेक्शन सिस्टम्स को यूज किया जाता है। मैकेनाइज्ड कलेक्शन सिस्टम यानी कि एक ट्रक रहेगा, मतलब स्ट्रीट्स के बाजू में क्या रहेंगे, आपके डस्टबिन रहेंगे, वो ट्रक आएगा, वो डस्टबिन को ऑटोमेटिक कलेक्ट करेगा, पिक करेगा, एंड वॉट एवर द वेस्ट इज लोडेड इन दैट बिन दैट विल बी अनलोडेड टू द ट्रक। मतलब वो मैकेनिज्म ऑटोमेटिक ही होना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि क्या, इट शुड बी डिजाइन टू फिट द ट्रक माउंटेड लोडिंग, यानी आपका वो जो भी ये है डस्टबिन है, वो उस ट्रक में बराबर से फिट हो जाना चाहिए, या उसके जो भी आर्म्स हैं या जो भी मैकेनिज्म है उसमें फिट हो जाना चाहिए, एंड इट शुड बी वे शुड बी अनलोडिंग टू योर ट्रक। ओके, और इट मे बी समटाइम्स हैपन कि कुछ कंटेनर्स रहते हैं, उसको म्यूनसिपैलिटी सेंटर से लेके यहाँ रख देते हैं, और ये जो फील्ड वाला कंटेनर है इसे हॉल करके या इसे पिक करके इस कंटेनर को पूरा वापस डिस्पोजल साइट में लेके जाया जाता है। सो दैट इज ऑल्सो हैपनिंग इन प्रैक्टिस। सो दैट्स वाई इसका जो भी आपका स्टोरेज सिस्टम का जो साइज होगा, इट शुड बी फिक्स, एंड वो जो आप ट्रक में माउंट कर पाए, दैट इज इम्पोर्टेंट। व्हाइल इवेल्युएटिंग अ रेसिडेंशियल वेस्ट कंटेनर, हाँ या व्हाइल इवेल्युएटिंग द रेसिडेंशियल वेस्ट कंटेनर्स कंसिडरिंग द फॉलोइंग, जब भी हम रेसिडेंशियल वेस्ट कंटेनर्स की बात करते हैं तो क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए। सो एफिशिएंसी होनी चाहिए, एफिशिएंसी इन द टर्म्स ऑफ व्हाट, दैट इज द कंटेनर शुड बी हेल्प मैक्सिमाइज द ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी। आई रिपीट, द कंटेनर शुड हेल्प मैक्सिमाइज द ओवरऑल कलेक्शन एफिशिएंसी। जितना भी वेस्ट आपने कलेक्ट किया है से वन साइकिल में या सेकंड साइकिल में, तो वो सारा का सारा आपका वेस्ट आपके बिन में कलेक्ट हो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज अ कन्वीनियंस, योर नेक्स्ट वन इज कन्वीनियंस, दैट इज द कंटेनर मस्ट बी इजीली मैनेजेबल बोथ फॉर अ रेसिडेंशियल एंड अ कलेक्शन क्रू। यानी कि वो आपका जो भी आपका डस्टबिन है वो आपका कन्वीनियंट होना चाहिए, कन्वीनियंट फॉर होम, कन्वीनियंट फॉर द रेसिडेंट यानी आप लोगों के लिए, एज वेल एज इट शुड बी फॉर द हेल्पफुल फॉर द कलेक्शन क्रू। जस्ट लाइक अगर हम घरों की बात करते हैं अपने, तो आप देखिए आपके घरों में हार्डली 1 लीटर और 2 लीटर्स का, सॉरी 2 to 3 लीटर्स का आपका डस्टबिन होता है, ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता, छोटा सा ही होता है। दिस कैन बी इजिली हैंडल बाई एज यू एज वेल एज इट कैन बी इजिली हैंडल बाई दी योर क्रू मेंबर्स। सपोज दैट कि आपका जो डस्टबिन है 30 लीटर्स का है, मैं 30 लीटर्स का भरने के बाद में आप उसको अगर ये वेस्ट दे रहे होंगे, सो वो आपके लिए भी हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा और वो उस क्रू मेंबर को भी हैंडल करने के लिए मुश्किल हो जाएगा। सो दैट इज इम्पोर्टेंट कि आपका जो भी डस्टबिन है वो आपका कन्वीनियंट होना चाहिए। मोर ओवर लेटेस्ट से अबाउट दिस, अगर मैं बात करूँ कि इन टर्म्स ऑफ केजी, इन टर्म्स ऑफ केजी ऑफ द कंटेनर, तो आपका देखो नॉर्मली घरों में क्या होता है, डस्टबिन जो होता है वो हमारा प्लास्टिक का होता है, लेट अस से कि आपका स्टील का होगा या आयरन का होगा, यहाँ पे वो आपका मतलब 500 ग्राम का भी नहीं रहेगा आपका डस्टबिन, वेयर एज अगर हमने स्टील मेटल का लिया या कोई और आयरन मेटल का लिया, सो आप देखो कि वहां पे वो खुद ही 5 kg या 6 kg का आपका डस्टबिन होगा। अगेन इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर बोथ रेसिडेंशियल एज वेल एज द कलेक्शन क्रू, सो दैट्स व्हाई इट शुड बी वेरी कन्वीनियंट, और उसको हैंडल करने के लिए, पकड़ने के लिए भी हैंडल होना बहुत जरूरी है। ओके, सपोर्टिंग हैंडल्स होना बहुत जरूरी है, तो कन्वीनियंट होना, कहने का मतलब है कि कन्वीनियंट होना चाहिए। द नेक्स्ट इज अ म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ओके, म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट 90% कंपैटिबिलिटी, इट इज नोन एज कंपैटिबिलिटी, दैट इज
कंटेनर मस्ट बी कंपेटेबल विद द कलेक्शन इक्विपमेंट। कहने का मतलब है कि आपके जो भी कलेक्शन इक्विपमेंट है वो उसको सूट करना चाहिए, आपका जो भी आपका डस्टबिन है वो। द नेक्स्ट इज अ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी। यस, हमें आपको इसका ध्यान रखना है कि दैट इज द कंटेनर शुड बी सिक्योरली कवर्ड एंड स्टोर्ड। नाउ पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी की जब हम बात करते हैं तो अभी भी मतलब काफी आपके एड्स में आपने देखा होगा, कई सारे वीडियोस में देखा होगा, जैसे कोरोना शुरू हुआ था तो नॉर्मली हमारे घर में भी हम जो अभी डस्टबिन रखते हैं या ऑफिस में हम जो डस्टबिन रखते हैं, इट इज ऑपरेटेड बाय योर लेग्स, इट इज नेवर ऑपरेटेड बाय योर हैंड्स। हम कभी भी उसको इस तरह से ओपन करके हम यूज नहीं करते हैं, ऑलवेज वे यूज इट बाय योर फीट। आपके लेग्स से आप उसको यूज करते हैं, आप उसको दबाते हो, देन उसका आप बॉटम साइड में नॉब रहेगा, उसको आप प्रेस करोगे, देन आपका जो ढक्कन है ऊपर का वो ओपन होता है। बेसिकली दैट इज द मोस्ट प्रिफरेबल डस्टबिन यूज इन द हाउस होल्ड और एनी वेयर इन कमर्शियल एज वेल, दैट इज ओनली यूज। ओके, द कंटेनर शुड बी सिक्योरली कवर्ड, और आपका जो भी डस्टबिन है वो ओपन नहीं होना चाहिए, इट शुड बी कवर्ड। अगर वो ओपन रहेगा तो क्या होगा, अनहाइजीनिक कंडीशन बन जाएगी। अनहाइजीनिक कंडीशन क्यों बन जाएगी, क्योंकि वो वैसे ही कचरा है, दैट इज अ वेस्ट। उसमें मतलब कई बार पुट्रिसिबल भी हो सकता है, नॉन पुट्रिसिबल भी हो सकता है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, और उसके ऊपर मतलब इफ इट इज ओपन टू एटमोसफियर देन हाई चांस ऑफ गेटिंग मॉइस्चर ओवर देयर ओवर इन द योर डस्ट इन साइड योर डस्टबिन। तो इट मे हैपन कि आपका एटमोसफेयरिक के कारण जो भी एटमोसफेयर के कांटेक्ट में आएगा और जो एटमोसफेयर में मॉइस्चर कंटेंट होगा वो आपके डस्टबिन के अंदर में आ सकता है। नाउ व्हाट विल हैपन ड्यू टू दिस, देयर विल बी अ ब्रीडिंग, फ्लाई ब्रीडिंग में हैपन ओवर देयर। यानी बार 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 देखो कि मतलब मक्खियां ऐसे बिन बिनाती रहेगी वहां पे, तो ये थोड़ा सा अनहाइजेनिक कंडीशन बन जाता है। सो इट शुड ऑलवेज बी कवर्ड। ये मैं बात कर रहा हूँ आपके घरों की। इफ यू गो फॉर द म्यूनिसिपल कम्युनिटी बिन, तो कम्युनिटी बिन यानी कि हमारे घरों के बाहर में हम सब कॉलोनी वालों के लिए एक सोसाइटी वालों के लिए सेपरेट डस्टबिन होता है। ओके, तो मान लो सब अपने अपने वेस्ट उसमें आके स्टोर कर वहां पे अपना डंप कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, सपोज करो डंप कर रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं, तो क्या होगा अगर वो ओपन रहेगा, बारिश हो जाएगी, व्हाट विल हैपन, अगेन फ्लाई ब्रीडिंग विल बी देयर। मतलब ओपन रहेगा तो आपके कैटल्स वहां पे आ सकते हैं, आपके पेट्स वहां जा सकते हैं। सो थोड़ा सा अनहाइजीनिक कंडीशन बन जाता है। तो इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द पब्लिक हेल्थ एंड सेफ्टी, इट शुड बी सिक्योरली कवर्ड एंड स्टोर्ड प्रॉपरली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज द ओनरशिप, दैट इज द म्युनिसिपल ओनरशिप मस्ट गारंटी कंपेटेबिलिटी विद द कलेक्शन इक्विपमेंट। यानी जो भी सब चीजों को ऑपरेट कर रहा है इंक्लूडिंग यू, तो आप लोगों में मतलब हम सब लोगों में क्या होना चाहिए, एक ओनरशिप भी रहना चाहिए, और जो रिक्वायर्ड है वो हमें करते रहना चाहिए। हमें जो कलेक्शन इक्विपमेंट की रिक्वायर्ड रिक्वायरमेंट है वो हमेशा हमें प्रोवाइड करना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज कलेक्शन क्रू। कलेक्शन क्रू यानी कि आपके मेंबर्स, क्रू मेंबर्स। ओके, सो द ऑप्टिमम क्रू साइज ऑफ अ कम्युनिटी डिपेंड ऑन द लेबर एंड इक्विपमेंट कॉस्ट। यस ऑफ कोर्स, अब देखो अगर हम कोई सोसाइटी की भी बात करते हैं तो अगर उसमें भी हमें अगर चौकीदार रखना है जो हमारा नॉर्मली कचरा वगैरह भी कलेक्ट करता है, सो मैं उस टर्म में ही बात करूंगा, चौकीदार छोड़ दो, लेकिन अगर हमने हमारे कम्युनिटी में इफ वी इक्विप अवर लेबर टू कलेक्ट ऑल द वेस्ट कमिंग फ्रॉम द हाउस, वी कैन से वी प्रोवाइड अ हाउस टू हाउस सर्विस बाय अ लेबर, तो क्या होगा, उस लेबर का कॉस्ट कितना है वो डिपेंड करेगा। आप जो इक्विपमेंट यूज कर रहे हो या उसको यूज करने के लिए दे रहे हो तो उसका कॉस्टिंग क्या है, ऑल्सो इट विल डिपेंड ऑन दैट, एज वेल एज कलेक्शन मेथड्स एंड रूट कैरेक्टरिस्टिक्स विल बी ऑल्सो इम्पोर्टेंट पॉइंट। ठीक है, सपोज करो कि आपके घरों के, इफ सपोज दैट इफ म्यूनसिपैलिटी मेंबर्स आर कमिंग विद देयर ट्रक्स एंड दे आर कलेक्टिंग योर ऑल द वेस्ट एंड जस्ट अनलोडिंग इन देयर ट्रक्स, सो व्हाट हैपन, इट विल कम फ्रॉम सम सेलेक्शन रूट्स। वो कुछ तो भी एक सेलेक्शन रूट से आएगा, एंड दैट सेलेक्शन रूट शुड बी ऑप्टिमाइज वन। ओके, एंड दैट इज द वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि आपका वो जो कलेक्शन करने वाले हैं वो किस तरह से कलेक्शन करेंगे, दैट विल बी ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। किस तरह से करेंगे, मतलब देर आर फोर मेथड्स फॉर द हाउस टू हाउस कलेक्शन। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ हाउस टू हाउस कलेक्शन की, तो यहाँ पे चार मेथड है।
सेट आउट है, सेट बैक है, कर्ब है, एली है. सो देर आर 4 to 5 मेथड्स, कलेक्शन मेथड. विल सी सेपरेटली दिस ऑल दिस पॉइंट इन नेक्स्ट लेक्चर, बट देर आर बेसिकली 4 to 5 कलेक्शन मेथड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन सेपरेट रूट ऑप्टिमाइजेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड, वन ऑफ द पॉइंट विच विल कवर इन द फर्दर स्लाइड्स इन नेक्स्ट लेक्चर. The size of the collection crew also depend on the size and a type of collection vehicle used. The size of the collection crew also depend on the size and the type of the collection vehicle. मैं बार-बार बोल रहा हूँ size, I repeat size and collection vehicle used. Okay, क्यों मैंने ऐसे कहा? Say suppose करो कि आपके घरों में अगर एक hand cart लेके कोई आ रहा होगा या कोई रिक्शा लेके आ रहा होगा tricycle वाला, और इफ और इट मे बी हैपन कि कोई ऐसे बैग ही लेके आएगा या आपका साइकिल में आएगा. सो व्हाट विल हैपन, इट विल रिक्वायर्ड ओनली वन पर्सन. आई रिपीट, इट विल रिक्वायर्ड ओनली वन पर्सन, क्योंकि एक हैंड कार्ट में, बुलक कार्ट में या आपका आपका बैग में या साइकिल में कितना बेस जाएगा? उतना ही जाएगा जितना एक आदमी कैरी कर सकता है. बट सपोज दैट कलेक्शन व्हीकल इज कमिंग. कलेक्शन व्हीकल, अगर मैं छोटा हाथी की भी बात करूं जो नॉर्मली घूमता है, इफ आई टॉक अबाउट द छोटा हाथी दैट टेम्पो, सो यू विल रिक्वायर्ड वन ड्राइवर, आल्सो यू रिक्वायर्ड वन हेल्पर. ओके, यू विल रिक्वायर टू पर्सन, वन विल बी ड्राइवर, अदर विल बी योर कलेक्टर. ठीक है, तो एक जो ड्राइव करेगा कार अपना जो छोटा हाथी है, और दूसरा जो घरों में बिन उठा के यहाँ पे कचरे को थ्रो मतलब डंप करेगा. सो यू विल रिक्वायर two person. Now let us say if little big vehicle is there, so now driver is compulsory. Okay, one person should be in the truck and the third person should go and collect the waste. So now you will see you will require three persons. I repeat, ek person jo drive kar raha hai, second person jo truck ke upar mein hoga, and third person jo waste ko collect karke leke aayega. So it is completely depend on your type of the collection vehicle used. Okay. Also space between the houses. ठीक है, मतलब दो दो मतलब houses के बीच में कितना कितना difference है. अगर row houses में तो lucky होगा तो मतलब उतना problem नहीं होगा. या फिर मतलब क्या होता है ना, जब भी हम ये frequency की बात करते हैं, collection frequency की बात करते हैं, तो उसमें एक और चीज आ जाता है कि due to the hygienic conditions वेरी क्विकली यू हैव टू रिमूव योर ट्रक और योर व्हीकल फ्रॉम दैट लोकेलिटी. अदरवाइज आप जितना ज्यादा टाइम वहां पे रहोगे, बिकॉज कचरा है, इट इज अनहाइजीनिक कंडीशन, तो आने जाने के टाइम पे, और नॉर्मली पी कवर्स में ही कलेक्ट करते हैं या पी कवर्स के जस्ट बाद कलेक्ट करते हैं. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो एरिया है आपको तुरंत क्लियर करना है, तो यू हैव टू डू एवरीथिंग वेरी फास्टली. ठीक है, अगर एक ही एरिया में गए जहाँ रो हाउसेस है या मल्टीपल हाउसेस है, सो यू रिक्वायर्ड अ मोर पीपल्स, बिकॉज एक व्हीकल को हम बहुत देर तक वहां पे खड़ा नहीं कर सकते. एंड इफ यू थिंक लाइक दिस, इफ देयर इज अ गुड प्लांट कॉलोनी या प्लांट सोसाइटी, देन इट्स ओके. इफ इट इज अनप्लांट सोसाइटी, अनप्लांट कॉलोनी, देन व्हाट विल हैपन कि उसके जो रोड्स रहते हैं वैसे ही नैरो रहते हैं. इट इज वेरी स्मॉल, जो एलीज हैं, गलियां हैं, वो छोटी होती है. अगर ऐसे में आपका व्हीकल चले गया एंड इट इज ओनली अ वन वे, तो क्या होगा कि सामने से जो व्हीकल्स है जिनको बाहर जल्दी से जाना है, काम वगैरह के लिए जाना है, सो इट विल मेक अ लॉट ऑफ न्यूसेंस, इट विल क्रिएट अ बैड एनवायरमेंट, इट विल क्रिएट अ बैड हाइजीनिक, इट विल क्रिएट अनहाइजीनिक कंडीशंस. सो लॉट मेनी थिंग्स कम इन दिस डिस्कशंस. सो दैट्स व्हाई इट इज वेरी नेसेसरी कि आपका जो वेस्ट है उसको तुरंत तुरंत वहां से रिमूव करना है, आपको व्हीकल को वहां से रिमूव करना है. सो अगर एक एक साथ आपके रो हाउसेस है, एक अपार्टमेंट, तो आपको थोड़े से ज्यादा लोग लगेंगे, सो दैट क्विकली वो कलेक्ट करके लेके आ जाएगा. लेकिन इफ इट इज बिग स्पेस बिटवीन 2-3 हाउसेस, देन देर इज नॉट एन इशू. मतलब यहाँ का पहले निपटा के फिर दूसरे घर में जाओ, फिर तीसरे घर में जाओ, लाइक दैट यू कैन डू. नेक्स्ट इज अ वेस्ट जनरेशन रेट. यस, आपका अगर वेस्ट जनरेशन ज्यादा हो रहा होगा पर्टिकुलर कॉलोनी में या पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो वहां पे कलेक्ट करने के लिए भी लोग ज्यादा लगेंगे. सो वेस्ट जनरेशन इज इम्पोर्टेंट. देन कलेक्शन फ्रीक्वेंसी, अगर आपका कलेक्शन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है तो ठीक है, मतलब ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन
आपका कलेक्शन फ्रीक्वेंसी 2 दिन में एक बार है, 3 दिन में एक बार है, तो यस उसको रिमूव करने के लिए आपको थोड़ा सा मैन पावर ज्यादा लगेगा। ओके, सो नोट ऑल्सो दैट अ कलेक्शन व्हीकल शुड बी अ मोटराइज व्हीकल, अ पुश कार्ट और ट्रेलर टूवर्ड बाई अ सुटेबल प्राइम मूवर। वो हमने देख लिया। इट इज पॉसिबल टू एडजस्ट द रेशियो ऑफ अ कलेक्टर टू अ कलेक्शन व्हीकल। आई रिपीट, इट इज पॉसिबल टू एडजस्ट द रेशियो ऑफ अ कलेक्टर्स टू अ कलेक्शन। कलेक्टर्स यानी क्या? वो क्रू मेंबर्स। कलेक्शन व्हीकल सच दैट द क्रू आइडल टाइम इज मिनिमाइज्ड। ओके, एन इफेक्टिव कलेक्शन क्रू साइज एंड अ प्रॉपर वर्क फोर्स मैनेजमेंट कैन इन्फ्लुएंस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द कलेक्शन सिस्टम। अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट बात है, आपका जो क्रू है इट शुड बी वेरी इफेक्टिव वन। अगर इफेक्टिव नहीं होगा तो क्या होगा? इफ दे आर लेजी, तो आपको जैसा मैनेजमेंट चाहिए, आपको जैसे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का काम करवाना था, वो नहीं हो पाएगा, आपको प्रोडक्टिविटी आपकी मिलेगी नहीं। तो यस, इट इज कंप्लीटली डिपेंड ऑन योर इफेक्टिव कलेक्शन क्रू। द क्रू साइज इन एसेंस कैन हैव अ ग्रेट इफेक्ट ऑन ओवरऑल कलेक्शन कॉस्ट। यस, अगर क्रू साइज ज्यादा होगा तो आपका कॉस्टिंग ज्यादा होगा, क्रू साइज कम रहेगा तो आपका कॉस्टिंग कम होगा। ओके, देन नेक्स्ट इज कलेक्शन रूट। कलेक्शन रूट इज ऑल्सो अ सेपरेट टॉपिक, विल सी फर्दर, बट हाईलाइटेड पोर्शन विल सी ओवर हियर। द कलेक्शन प्रोग्राम मस्ट कंसिडर द रूट दैट इज एफिशियंट फॉर द कलेक्शन। यस, दैट इज ट्रू। आपका जो भी रूट ऑप्टिमाइजेशन होना है, इट शुड बी वेरी प्रिसाइसली एंड इट शुड बी डन विद द कंसिडरेशन एंड विद कंसिडरेशन ऑफ दैट सोसाइटी एज वेल। एंड एफिशियंट रूटिंग ऑफ अ कलेक्शन व्हीकल हेल्प डिक्रीज कॉस्ट बाय रिड्यूसिंग द लेबर एक्सपेंडेड फॉर द कलेक्शन। अगर आपने रूट ऑप्टिमाइजेशन बराबर कर लिया तो आपके लेबर के कॉस्ट को आप कंट्रोल कर पाओगे। प्रॉपर प्लानिंग ऑफ अ कलेक्शन रूट ऑल्सो हेल्प कंजर्व एनर्जी एंड मिनिमाइज वर्किंग आवर्स एंड व्हीकल फ्यूल कंजप्शन। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करके आप कलेक्शन रूट को यानी रूट ऑप्टिमाइज कर ले रहे हो, देन इट कंजर्व योर एनर्जी। मतलब हमारी जो एक्स्ट्रा एनर्जी दौड़ भाग में लगने वाली है उसको बचा लेंगे। इट कैन मिनिमाइज दी वर्किंग आवर्स, यानी अगर आप प्लान तरीके से काम करोगे तो आपके वर्किंग आवर्स को आप रिड्यूस कर सकते हो। अगर आप थोड़ा हैपजाइट तरीके से काम करोगे, कभी यहाँ जाना, कभी वहां जाना, कभी इधर जाना, उधर जाना, तो क्या होगा? एट रेंडम आप काम कर रहे हो तो आपके वर्किंग आवर्स ऑलरेडी बढ़ जाएगा। नाउ अगर इसके बाद अगर हमने रूट ऑप्टिमाइजेशन किया है प्रॉपर तरीके से तो क्या होगा, और हमने नहीं किया रूट ऑप्टिमाइजेशन तो क्या होगा? लेट अस टेक एन एग्जांपल, सेकंड एग्जांपल दैट कि अगर हमने रूट ऑप्टिमाइजेशन नहीं किया सो व्हाट विल हैपन, कि डायरेक्टली आपका व्हीकल चलेगा, वेस्ट कलेक्ट करके तो लेके आ जाएगा, बट व्हाट विल हैपन, दैट व्हीकल विल ट्रैवल 10 किलोमीटर्स फॉर एन एग्जाम्पल। दैट ट्रैवल विल गो फॉर द ट्रैवल फॉर द 10 किलोमीटर्स, वेर एज इफ यू प्लान प्रॉपरली, इफ यू गिव अ रूट ऑप्टिमाइज रूट, तो वो जो 8 किलोमीटर, सॉरी 10 किलोमीटर घूम के आया है, वो शायद 3 या 4 किलोमीटर में भी कम्प्लीट कर सकता था। तो ये जो आपका 6 किलोमीटर का एक्स्ट्रा फ्यूल लगा है वहां पे, दैट कैन ऑल्सो भी इजिली रिड्यूस, उसको हम आसानी से रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि रूट ऑप्टिमाइजेशन होना जरूरी है। इट इज नेसेसरी देयरफॉर टू डेवलप अ डिटेल रूट कॉन्फिगरेशन एंड कलेक्शन शेड्यूल फॉर सेलेक्टेड कलेक्शन सिस्टम। ओके, द साइज ऑफ ईच रूट हाउएवर डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ वेस्ट कलेक्टेड पर स्टॉप, डिस्टेंस बिटवीन स्टॉप लोडिंग टाइम एंड ट्रॉफिक कंडीशन। ये कंडीशन बताया है कि मतलब ये रूट ऑप्टिमाइजेशन क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। बैरियर सच एज अ रेल रोड, एम्बार्कमेंट रिवर्स एंड अ रोड विथ हैवी ट्रैफिक कैन कंसिडर टू डिवाइड रूट टेरिटरीज। आपके जो बैरियर्स है कहीं भी, मतलब गाड़ी को, मतलब आपके व्हीकल को कभी आने जाने के लिए भी रोक टोक होगी, या आपके गाड़ी वहां पे पार्क नहीं कर सकते, आप ले जा नहीं सकते। दोज आर बैरियर्स सच एज जैसे रेल रोड्स है, एम्बार्कमेंट्स है, रिवर्स है, रोड्स है, और विद हैवी ट्रैफिक। ओके, विद हैवी ट्रैफिक कैन बी कंसिडर टू डिवाइड रूट टेरिटरीज। आप अपने रूट्स को फिर फर्दर मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। रूट ऑप्टिमाइजेशन कैन बी टेस्टेड अगेंस्ट ड्राइवर जजमेंट। यस ऑफ कोर्स, ये रूट ऑप्टिमाइज कौन करवा के दे रहा है? इट इज ड्यू टू द एक्सपीरियंस ऑफ द ड्राइवर। ओके, जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उसका जजमेंट वैसे वैसे चेंज होता रहेगा।
So that's why it is tested against driver judgment and the experience. Okay, so that is all about the route optimize, all about the collection route. Now, next component is a transfer station. A transfer station is an intermediate station. I repeat, it's an intermediate station. Intermediate station between what? Final disposal option and collection point. I repeat, it is an intermediate station between final disposal and collection point. आपका collection point आपका घर हो गया, final disposal point आपका disposal site हो गया या landfill हो गया, okay? तो ये point से दूसरे point final मतलब आपका disposal site तक के जाने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको एक mode लगेगा, आपको कुछ ना कुछ तो mode provide करना पड़ेगा. मोड प्रोवाइड करना यानी कि ट्रांसपोर्टेशन हमको प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एकाएक आपके घरों से निकल के सीधा का सीधा हम सीधा डिस्पोजल साइट में नहीं भेजते हैं, है ना? दैट इज वेरी रेयर. हमें क्या करना पड़ता है, पहले उसको कलेक्ट करना पड़ेगा. सो दिस इज द दिस ट्रांसफर स्टेशन इज योर इंटरमीडिएट कलेक्शन स्टेशन. ये आपका इंटरमीडिएट कलेक्शन स्टेशन है. क्या होगा कि ये 1.2.3. ये जो अब मैं देख ये देखो मैं डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पे. सो दिस इज योर हाउसेस. ये आपका एक लोकेलिटी है, उसमें ये हाउसेस है, ठीक है? इन सबका वेस्ट क्या होगा, एक पर्टिकुलर जगह में कलेक्ट होगा. यानी ये यहाँ से आएगा, ये वेस्ट यहाँ से आएगा, ये वेस्ट यहाँ से आएगा, ये यहाँ से आएगा, ये वेस्ट यहाँ से आएगा. ये अलग अलग जगह से आपका ये वेस्ट एक जगह पे इकट्ठा हो रहा है, ठीक है? देन ये वेस्ट इकट्ठा होने के बाद में इसे आप क्या करोगे, आपके डिस्पोजल साइट में लेके जाओगे. लेकिन यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, इनके बीच में एक इंटरमीडिएट पॉइंट है. व्हाट वाज द इंटरमीडिएट पॉइंट, व्हिच इज द इंटरमीडिएट पॉइंट? So this is the intermediate point, which will be known as a transfer station. क्या हो रहा है कि यहाँ से हम छोटे vehicles में लेके आएंगे और यहाँ से बड़े vehicle में हम लोग disposal side में लेके जाएंगे. That's why it is known as a transfer station. So if the disposal site is far from the collection area, it is justifiable to have a transfer station where small vehicle collection vehicles smaller collection vehicle transfer their load to a larger vehicle, which then haul the waste long distances. Just I said in this diagram कि ये छोटे-छोटे vehicle से सारा waste आपने यहाँ से यहाँ collect किया, ठीक है? Then हमने क्या किया? यहाँ सबको इकट्ठा किया, collect किया हमने एक जगह पे, और फिर हमको बड़े vehicle से haul करके हम लोगों ने क्या किया? Disposal किया. Just think कि अगर मैं यहाँ से वेस्ट को कुछ इस तरह से हम लेके आ रहे हैं, दिस विल बी 3, दिस विल बी 4 एंड दिस विल बी 5. ये देखिए 5 टाइम्स ये आपका व्हीकल यहाँ से लेके यहाँ तक जाएगा. कितना एनर्जी को वो वेस्ट कर रहे हैं, कितने फ्यूल को हम वहाँ पे वेस्ट कर रहे हैं. सो इट्स बेटर टू हैव दैट कि ये इधर न जाके एक कॉमन पॉइंट में कलेक्ट करें, और फिर यहाँ पे कलेक्ट करने के बाद लार्ज अमाउंट में वेस्ट कलेक्ट करने के बाद फिर उसको हम लोग डिस्पोजल साइट पे लेके जाएंगे. सो इट शुड बी अ वेरी जस्टिफाइबल. ओके, इन सम इंस्टेंस द ट्रांसफर स्टेशन सर्व एज अ प्री प्रोसेसिंग पॉइंट. ये जो आपका ट्रांसफर स्टेशन है, यहीं पे आप कभी कभी क्या करते थे, प्रोसेस कर लेते हैं, मतलब हम सेग्रीगेट कर लेते हैं. हमारा जो वेस्ट है, मतलब जो रिसाइकल हो सकता है, जिसकी रिकवरी हो सकती है, जिसको हम रीयूज कर सकते हैं, है ना, सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, यहीं पे हम इसको सेग्रीगेट कर सकते हैं. ओके, सेग्रीगेट करने के बाद क्या है कि जो बचा हुआ था चीजें फिर वो उसको डिस्पोजल साइट पे ले जाएंगे, तो आपको फिर से फ्यूल कंजप्शन को कंट्रोल कर रहे हो. ओके, सो दिस कैन बी एक्ट एज योर प्री प्रोसेसिंग पॉइंट, वेयर एज वेस्ट आर डीवॉटर्ड, स्कोप्ड और कंप्रेस्ड. Now, next, a centralized sorting and a recovery of recycled material are also carried out for transfer station. That is done. The unit cost of a hauling solid waste from a collection area to a transfer station and then to a disposal site decreases as the size of the collection vehicle increases. Actually,
ये पॉइंट हम बाद में कवर करेंगे, बिकॉज यहाँ पे कॉस्टिंग की बात आ रही है। तो कॉस्टिंग की जब हम बात करते हैं तो वहां पे एक ऐसा हम ग्राफ देखेंगे, वेयर एज में रहेगा आपका कॉस्टिंग और यहाँ पे रहेगा आपका डिस्टेंसिंग। तो ट्रांसफर स्टेशन बनाने से क्या है ना कि आपका इनिशियल कॉस्ट तो कुछ ना कुछ आएगा, बट आपका बाद में अगर आप देखोगे इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर, तो आप देखिए यहाँ पे आपका ये जो कॉस्टिंग है ये रिड्यूस हो रहा है। कैसे हो रहा है वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ आज, कि अगर मैं डायरेक्टली अगर हाउस से हमने वेस्ट कलेक्ट किया और सीधा हम लोगों ने क्या किया उसे हमारे डिस्पोजल साइड में ले गए, सो दिस ग्राफ इंडिकेट्स दैट। ठीक है, ये ग्राफ उस चीज को इंडिकेट कर रहा है, सीधा ओरिजिन से है ये। ठीक है, वेयर एज दिस इज योर एक्सेस फॉर द किलोमीटर, दिस इज योर एक्सेस फॉर द कॉस्ट। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपका कॉस्टिंग बढ़ते जाएगा। ठीक है, सो आप देखो कि ये ऊपर ही ऊपर आगे बढ़ते जा रहे हैं। बट हमने क्या किया कि हमने एक इनिशियल लेवल पे हमने एक इन्वेस्टमेंट किया और हमने एक ट्रांसफर स्टेशन को बिल्टअप किया। फिर अब यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से देखिए, फिर जैसे जैसे आपका कॉस्ट जैसे जैसे आपका किलोमीटर बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका कॉस्ट भी यहाँ बढ़ते जाएगा। सो इफ यू सी दिस डायग्राम, इफ यू सी दिस डायग्राम, ये जो कर्व मैं ड्रॉ किया है आप देखिए, ये डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, ये इस तरह का इतना डिफरेंस आ रहा है। हम क्या कर रहे हैं, हम अपने कॉस्ट को रिड्यूस कर दिए। ये देखिए ये डिफरेंस है, वी आर रिड्यूसिंग अवर द कॉस्ट। इनिशियल कॉस्ट आएगा लेकिन बाद में कॉस्ट हमारा मेंटेनेंस ले जाएगा, उसके अलावा कहीं जाएगा नहीं। सो दिस दिस कम्स इन द ट्रांसफर स्टेशन। सो नाउ लेट अस सी व्हाट एवर टुडे वी हैव सीन आर ऑल अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द कलेक्शन। बाद में हम इंडिविजुअल टॉपिक्स में हम बाद में जाएंगे। सो हियर आई एम शोइंग सम पिक्चर्स, दिस इज योर लिटर बिन्स, ये आपका लिटर बिन्स। आप कहीं पर देखोगे गार्डन में दिखेगा ये आपके, या आपको स्ट्रीट में कहीं दिखेगा आपको। सो दिस इज योर लिटर बिन्स। ओके, दिस इज अ बॉक्स टाइप हैंड कार्ट, दिस इज अ ओपन हैंड कार्ट। आपको शायद ध्यान में होगा कि कभी ना कभी किसी मतलब कलेक्शन म्यूनसिपल पार्टी के कलेक्शन वाले ने इस तरह का कोई व्हीकल लाया होगा, या आप देखो आपके सोसाइटी में भी शायद नीचे अगर कोई साफ करने वाला होगा तो जनरली ये इस तरह से यूज करता है, क्योंकि इसको क्या है ना कि एक ही आदमी यूज कर सकता है, दैट्स व्हाई। इसको दो लोग नहीं लगते, इसको एक ही आदमी लगेगा। सो ये ओपन बॉक्स टाइप हैंड कार्ट है। ठीक है, व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कार्ट विद सेपरेट बिन्स, तो ये एक कार्ट दिया हुआ है जिसमें सेपरेट सेपरेट आपके बिन्स दिए हुए हैं, जिसमें आप गीला कचरा सूखा कचरा या कोई भी आपने किस तरह से आपने सेग्रीगेट किया होगा, या म्यूनसिपलिटी ने जिस तरह से आपके कॉलोनी को या आपके सोसाइटी को सेग्रीगेट करने बोला होगा, उस तरह से आप इसको सेग्रीगेट करके रखोगे और इससे कलेक्ट कर सकते हो। देन नेक्स्ट इज टिपिकली ट्राईसाइकल यूज्ड। आज की डेट में तो यूज नहीं होता है ट्राईसाइकल, पता नहीं, आई डोंट नो अबाउट द रूरल एरियाज, बट अर्बन एरिया में आजकल ये यूज नहीं हो रहा है, आजकल छोटा हाथी को ज्यादा यूज किया जा रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेथड। देन नेक्स्ट इज अ ट्रैक्टर और अ ट्रेलर मैकेनिज्म। तो मतलब एक आपका कंटेनर है, दिस इज योर कंटेनर, दिस इज हॉल्ड बाय योर ट्रैक्टर। ये ट्रैक्टर से इसको हॉल किया जा रहा है, खींच के ले जा रहा जा रहा है। जनरली अगर आपने देखा होगा, अगर वसई विरार वाला कोई है, या मैंने धानों में भी देखा है कि ग्रीन कलर का एक कंटेनर होता है स्ट्रीट के बाजू में, तो मतलब इसको हॉल करके उसको लेके जाया जा सकता है डंपिंग यार्ड की तरफ में। सो दैट कैन बी डन। सो नेक्स्ट कंटेनर इज अ मेटेलिक कंटेनर, यानी ऐसा ओपन कंटेनर जो आपका मेटल का बना होगा, दैट इज नोन एज मेटेलिक कंटेनर। नाउ दिस इज अ मशीनरी बीन, मशीनरी बीन इज जनरली फॉर द कम्युनिटी बीन। तो यहाँ पे आपने ये देखिए, यहाँ से दिखेगा आपको, दिस इज द मशीनरी बीन। अब ये मशीनरी बीन क्या होता है कि इसमें इतना देखो, ये चेम्बर जो है, ये जो चेम्बर है, दिस इज योर ओपन चेम्बर, दिस इज योर ओपन चेम्बर। लेट मी टेल यू दिस थ्रू दिस डायग्राम, क्या होता है कि इसमें इस तरह से वॉल्स को क्रिएट किया जाता है, और यहाँ पे भी आपका एक डोर दिया जाएगा, या फिर आपका इसको भी वॉल करके हम रख सकते हैं,
इट इज अ काइंड ऑफ रूम बट इट्स इट इज नॉट हैविंग अ स्लैब, उसको स्लैब नहीं होता है, जस्ट एक आपका एरिया आपको बना के दे दिया गया है जहाँ पे आप अपने वेस्ट को डंप कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, वन मोर इज देयर कम्युनिटी बिन की अगर मैं बात करूँ, जैसे ये आपका कम्युनिटी बिन है, ये आपका कम्युनिटी बिन है, ये आपका कम्युनिटी बिन है, ठीक है। तो वैसे ही वेरी नॉर्मल प्रैक्टिस हुआ देयर इन 10 ईयर्स बैक, जहाँ पे अगर मैं आपको बात करूँ तो ऐसे आपका जो सीवर लाइन रहता है कॉन्क्रीट आरसी पाइप्स, ठीक है, कॉन्क्रीट आरसी पाइप्स के जो ये ऐसा कॉन्क्रीट आरसी पाइप्स है, तो इसको क्या करते हैं कि हम लोग यहाँ से कट कर देंगे, ठीक है। इसको आप जब कट करोगे सो इट विल बी लुक लाइक दिस, ठीक है। ये आपका क्रॉस सेक्शन आप देखोगे तो ये इसको जब वर्टिकल आप करोगे इसको तो ये इस तरह से दिखेगा, जहां से मतलब ये नीचे से क्लोज हो जाएगा। नीचे से क्लोज क्यों जाएगा, जस्ट बिकॉज ऑफ द योर ग्राउंड लेवल, ये आपके ग्राउंड लेवल के कारण क्या हो जाएगा, ये नीचे का सरफेस क्लोज हो जाएगा बट ये ऊपर से ओपन रहेगा। अब जो भी है आप अपने यहाँ पे जो भी वेस्ट है उसको यहाँ पे डंप कर सकते हो। सो आरसी कंक्रीट, रेनफोर्स कंक्रीट को भी आप एज अ बीन करके, कम्युनिटी बीन करके भी यूज करते हैं। ओके, सो इन नेक्स्ट क्लास विल सी अबाउट मेनी मोर कलेक्शन इक्विपमेंट विच आर यूज फॉर इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, और आगे के टॉपिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे इसमें, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। इफ एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स यू कैन आस्क एनी टाइम और यू कैन स्टे हियर।